नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया एक इनिशिएटिव है NMEICT नेशनल मिशन ऑन एजुकेशन थ्रू ICT मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट के द्वारा मैनेज करती है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी खड़गपुर के द्वारा। ऑब्जेक्टिव है डिजिटल रिसोर्स की एक ऐसी रिपोजिटरी क्रिएट करना, एनकरेज और इंस्पायर टू ऑल सिटीजन ऑफ इंडिया, चाहे एक ऐसे लाइब्रेरी जो स्टूडेंट्स हो, रिसर्च स्कॉलर हो या लाइफ लॉन्ग लर्नर हो, हर एक के लिए आपको यहाँ पर रिसोर्स अवेलेबल मिलने वाले हैं। ये आपको एम्पावर करेंगे, इंस्पायर करेंगे, एजुकेट करेंगे। इंडिया और इंटरनेशनल रिसोर्स एक ही पोर्टल पे आपको मिल जाएंगे। किस कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, आपको किसी टॉपिक्स पर, एकेडमिक टॉपिक्स पर कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए, आपको एक सिंगल पोर्टल पर सभी कुछ अवेलेबल हो जाएगा। मोर देन 70 लैंग्वेज में इस पर रिसोर्स अवेलेबल हैं, 60 से अधिक डोमेन में। डिफरेंशली एबल्ड लर्नर्स के लिए यहाँ पर स्पेशल रिपोजिटरी भी आपको मिल जाएगी। तो इसकी एक्सेस के लिए आपको क्या करना होगा, आपको सिंपल अपने फ़ोन ब्राउजर में या लैपटॉप जहाँ पे से भी आप एक्सेस करते हैं लिखना है नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया, जो पहला लिंक आएगा उसी पर आपको क्लिक कर देना है। तो आपको इस तरह का इंटरफेस मिलेगा, तो आप देख पाएंगे कि इसमें टेस्ट प्रिपरेशन, स्टडी एट होम, COVID-19 रिसर्च रिपोजिटरी या फीचर कलेक्शन, जैसे अभी बर्थ सैनिटरी ऑफ सत्यजीत रो या पर्सन ऑफ द वीक निकोलस टेक्ला के ऊपर, या टॉपिक ऑफ द वीक 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड के, इस तरह के आर्टिकल्स, फीचर्स, वीडियो, ऑडियो, ई रिसोर्स अवेलेबल मिल जाएंगे आपको। आप देख सकते हैं नीचे FAQ दीप, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सर, और इसमें अगर हम सर्च करते हैं अदर सर्विसेज में, तो आप IDR होस्टिंग, इंस्टीट्यूशनल डिजिटल रिपोजिटरी होस्टिंग, दीपक डिसेबिलिटी एजुकेशन एंड इंगेजमेंट पोर्टल फॉर एक्सेस, क्लिक किया तो देखते हैं हम कहाँ पहुँचते हैं एक्सेस टू नॉलेज। तो इसमें आपको अगर कुछ आर्टिकल्स टॉपिक चाहिए तो आप देखेंगे किस तरह से अवेलेबल है, हाइपरलिंक बने हुए हैं। आप राइट टू पर्सन विद डिसेबिलिटीज एक्ट 2016 को जानना चाहते हैं, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी क्या डिसेबिलिटी के बारे में बात कर रही है, NEP 2020, आप यहाँ से तुरंत पहुँच सकते हैं। डिफरेंट टाइप के वीडियोज, रिसोर्सेज यहाँ पे आपको सबका रिपोजिटरी अवेलेबल है, आप इसे एक्सप्लोर कर सकते हैं अपने इंटरेस्ट के अनुसार। नेक्स्ट अगर हम देखते हैं, अगर हमको स्कूल पे, मैंने जैसे क्लिक किया और यहाँ वीडियो लेक्चर, जी प्रिपरेशन मटेरियल्स, सिमुलेशंस, एक्टिविटीज, सेल्फ असेसमेंट एंड वेरियस मटेरियल अवेलेबल है। बुक्स में अगर क्लिक करें तो NBT की स्टोरी बुक्स, बेसिक लर्निंग वीडियो किट्स इंडिविजुअल, NBT की बुक्स पर क्लिक करते हैं तो आप देखेंगे कि हे हाउस ऑफ बम्बू या बोलने वाली घड़ी, डिफरेंट टाइप ऑफ बुक्स यहाँ पे अवेलेबल हैं, आप किसी भी क्लिक करके चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं। सपोज एग्जाम्पल के लिए मैं किसी बुक पर क्लिक करता हूँ तो वो मुझको इस तरह के इंटरफेस पर ले जाएगी और इसमें ओपन करेंगे, मेरे फ़ोन में डाउनलोड हो चुकी है, मैं डाउनलोड करके इसे ओपन कर सकता हूँ। तो आप देखिए आपके फ़ोन में कहाँ ये डाउनलोड हो रही है, तो आपको डाउनलोड होती दिख जाएगी। जब डाउनलोड होने के बाद आप इसे ओपन करके अपने फ़ोन में एज ए PDF जैसे आपकी ई बुक्स स्टोर होती हैं आप इसे पढ़ सकते हैं, कोई भी कंटेंट इजीली आपके पास पहुंच जाएगा। ये सभी ओपन सोर्स के हैं, क्रिएटिव कॉमन लाइसेंस के अंडर में आते हैं। ये देखिए बुक ओपन हो गई है, बबलू का भूत। तो देखिए एक साथ इतने सारे रिसोर्स नेशनल और इंटरनेशनल एक ही जगह आपको ये डिजिटल लाइब्रेरी आपको प्रोवाइड कराती है। आपको इसके लिए कोई लॉगिन या साइन अप करने की आवश्यकता भी नहीं पड़ी, आप सिंपली वहाँ पे गए और डिफरेंट टाइप आप यहाँ पर अपनी सर्च को ऑप्टिमम कर सकते हैं कि स्कूल में जाना चाहते हैं, बुक्स आप देखना चाहते हैं या फिर वीडियो लेक्चर्स आप सुनना चाहते हैं, तो जिस तरह की आपको चाहिए आप कीवर्ड्स के द्वारा एक सिंगल पोर्टल पर अपनी रिसर्च को ऑप्टिमाइज करके बेस्ट आप यहाँ पे ब्राउज कर सकते हैं, बाय द टाइप, बाय द सब्जेक्ट, बाय सोर्स, बाय ई लर्निंग मटेरियल्स। अब ई लर्निंग मटेरियल पर क्लिक करते हैं तो डिफरेंट टाइप के लर्निंग मटेरियल होते हैं, वीडियो है, ई कंटेंट है, तो जिस टाइप का ई लर्निंग मटेरियल आप सर्च करना चाह रहे हैं उस पर आप क्लिक करेंगे, उसके ई लर्निंग रिसोर्सेज की रिपोजिटरी आपके सामने आ जाएगी, उसमें से आप अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर लीजिए।
एग्जाम्पल के तौर पे आप देख सकते हैं, जिसे मैं यहाँ पर स्क्रॉल कर रहा हूँ। लैंग्वेज भी आप चेंज कर सकते हैं अपनी अकॉर्डिंग, आपको यहाँ दिखाई दे रहे होंगे फीचर्स। यहाँ पे हम एक्सेस, ऑथर, सब्जेक्ट, फाइल फोर, लैंग्वेज, सोर्स, कंटेंट के अकॉर्डिंग हमारे पास सर्च करने के ऑप्शंस हैं। जैसे अगर मैं वीडियो रिपोजिटरी पे मैंने क्लिक किया तो वीडियो लेक्चर्स यहाँ मौजूद हैं, हम किसी का भी वीडियो लेक्चर्स देख सकते हैं इजीली। एकेडमिक रिसोर्स ऑफ इंडिया में आज मैंने आपके साथ शेयर की नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया के बारे में। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट ऐसे ही अमेजिंग रिसोर्स आपके साथ शेयर करूँगा। तो बने रहिए रेन कम्युनिटी का हिस्सा। जय हिंद, जय भारत।